दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मौर्य जी न्यूज चैनल में। दोस्तों एक बार हम फिर उपस्थित हुए हैं आप लोगों के समक्ष नई जानकारी लेकर के। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं पीएसएल में बहुत बड़ी बेईमानी हुई है और ढंग से बेईमानी हुई है, लूटम लूट मची है। अगर हम इसे किसी भी तरह की श्रेणी में बेईमानी में गिने तो सब तरह की श्रेणी में बेईमानी में आता है दोस्तों। और बेईमानी तभी साबित हो जाती है जब ये कहा जाता है कि बांड के साथ साथ रसीदें देना है आपको, और सभी रसीदें देना है। जो रसीदें आप अपलोड करेंगे वो रसीदें धुंधली नहीं होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, और जितनी रसीदें आप देंगे उतने का पैसा मिलेगा। तभी से बेईमानी होने लगती है दोस्तों। इनको ये नहीं पता कि रसीदें बेचारे निवेशक कहाँ जोगे कर रखेंगे, फट जाती है, गुम हो जाती है, धुंधली हो जाती है, उसमें प्रिंट अच्छे से दिखाई नहीं पड़ता है। एक बैंक की कॉपी होती है उसमें प्रिंट होता है तो वो तो दिखाई नहीं पड़ता, हल्के हल्के अक्षर रहते हैं उसके, फोटो कॉपी का वो स्पष्ट नहीं आती, और रसीदे तो एकदम बेकार थी दोस्तों। तो उनको ये मांगती है और वेरिफिकेशन इस कदर कर रही है, जांच इस कदर कर रही है जैसे कि 5,000 वाले अमाउंट का जो वेरिफिकेशन किया गया सारे के सारे गलती निकल गए, सही हो ही नहीं पाए, सब के सब गलती निकल गए। कुछ 2,77,000 निवेशकों को पैसा रिटर्न किया गया, वो भी रसीदों के आधार पर, जो रसीदें उन्हें स्पष्ट लगी, सही लगी, डाउनलोड जो फिलअप किया गया है, फार्म भरे गए हैं उसमें जो रसीदें उन्हें अच्छी लगी, समझ में आया, उन रसीदों का पैसा दिया, उनमें से भी काट दिया दोस्तों। ये इनका मकसद क्या है दोस्तों? इनका मकसद ये है जो 60,000 करोड़ देनदारी मूलधन की बात जो आ रही थी, ये केवल 3-4 हजार करोड़ में निपटाने का सिस्टम इन्होंने बना लिया है मिलजुल कर। मतलब इसलिए बोल रहा हूँ, इसमें पीएसएल का मैनेजमेंट, सेबी, लोढ़ा कमेटी, सुप्रीम कोर्ट, मतलब सब आपस में मिल करके इस सिस्टम को चला रहे हैं। इसीलिए ये बोल रहे हैं रसीदों को लागू कर दो। ये रसीदें अनुमन जो है लोगों के पास, रसीदें कहाँ रहेंगे ही नहीं, बार बार निकाल देते थे, बता देते थे कि अपने कागजातों को सुरक्षित जगह कर रखें, किसी को देना नहीं। तो दोस्तों ये तो पक्की बात है, रसीदें सभी किसी के पास रहती नहीं है। एक एक रसीदों को साइट पर लोड करना बड़ी मुश्किल का काम है। अगर कोई किसी तरह लोड भी करवा देता है तो ये सीबी वाले जांच के दौरान रिजेक्ट कर देंगे, इसमें कोई शक नहीं। क्यों? इसलिए कि जब एजेंट पीएसएल में पैसा जमा करवाता था तो उस समय जब लेने की बात आती थी पैसा, तो उसमें आईडी वेरिफिकेशन ठीक से जो कर्मचारी वहाँ काम करते थे वो फोटो नहीं है, दूसरे का फोटो लगा दिए चल गया, एड्रेस सही नहीं है तब भी चल गया, ये नहीं कहते थे कि आगे चल के मैच्योरिटी में दिक्कत होगी। इस बेस को सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान नहीं दिया, सेबी ने, लोढ़ा कमेटी ने या मैनेजमेंट ने इस बात को ध्यान नहीं दिया कि इस बेस पर भी चिंता करने की जरूरत है कि अगर इस प्रकार से जांच की जाएगी तो पीएसएल का पेमेंट किसी को मिल ही नहीं पाएगा, वो तो 3-4 हजार करोड़ में ही निपट जाएगा, बाकी पैसा सेबी, लोढ़ा कमेटी, मैनेजमेंट सारे सिस्टम मिलकर खा जाएंगे। ये सिस्टम उनका था, ये सत्य था दोस्तों। आगे हम बताएंगे अब क्या हुआ है, इसको बताएंगे। इसको बताने से पहले दोस्तों हम चाहेंगे जो पहली बार चैनल पर न्यूज़ देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन घंटी को दबा दें ताकि उन्हें लेटेस्ट न्यूज मिलते रहे, और सब्सक्राइब किए हुए सब्सक्राइबर भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लेकिन 5,000 का जब बताया उन्होंने, 2,77,000 निवेशकों का पैसा हमने रिटर्न कर दिया, उससे पहले से भी द जियो न्यूज पीएसएल मैटर एक यूट्यूब चैनल चलाने वाला है, उसने भी कुछ लोगों ने जो कि पैसा दिलाने के लिए संघर्षरत हैं सही तरीके से,
सही तरीके से पैसा दिलाने के लिए पैसे पीएसएल के निवेशकों के लिए संघर्षरत हैं, और उनके मेहनत संघर्ष के कारण जो आज सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा उठा, आज उनको भी बोलना पड़ा जो बेमानी की सारी हदें पार कर गए थे और इस प्रकार के मेच्योरिटी के लिए सिस्टम बना करके आदेश रूप में सुप्रीम कोर्ट से आ गया, आज वो भी बोल रहे हैं। जैसे मनदीप काजला ने क्या कहा, मनदीप काजला ने कहा कि सभी जमीनें सस्ते दामों में ना बेची जाएं और महंगे दामों में बेची जाएं, क्योंकि क्योंकि कृषि योग्य जमीन डेवलपमेंट हो गई है इतने समय में और अच्छी से अच्छी कीमत में जाना चाहिए ताकि प्रत्येक निवेशक का पैसा मिल जाए, अब ये बोल रहे हैं। और इसी प्रकार के कुछ बयान जो है सुनंदा कदम के भी हैं। तो दोस्तों आप इस प्रकार के बयान दे रहे हैं, दोस्तों ये उन लोगों के मेहनत का नतीजा है जो इस प्रकार के बयान आए हैं। इससे पहले क्या इनको पता नहीं था कि किस प्रकार से जमीनें जमीनें बिक रही हैं और कितना जमीन सेवी के और लोड़ा कमेटी के अंडर में है। आज भी चेत जाएं और इन लोगों से निवेदन है सभी लोगों का पैसा दिलाएं। आज भी द जीरो न्यूज पीएसएल मैटर लीगल कार्रवाई कर रहा है जिसके चलते बेमानों की फट रही है, बेमानों की फट रही है और सुप्रीम कोर्ट में लीगल कार्रवाई के चलते अब कदम अच्छी तरीके से उठेगा दोस्तों, उसमें कोई शक नहीं है। और प्रत्येक निवेशक का पैसा मिलना चाहिए, वो भी ब्याज के साथ दोस्तों, दोस्तों ब्याज के साथ मिलना चाहिए। अगर ब्याज के साथ नहीं मिलता है तो अब भी बहुत बड़ी धोखा होगी। और सर्वप्रथम एक बात के लिए बहुत जोर देना चाहिए, वो ये बात कि 21 अगस्त 2014 और 22 अगस्त 2014 की डेटों में जो कलेक्शन हुआ है उसका सेबी ने भी कह दिया है कि हमारे पास डाटा उपलब्ध नहीं है, जो पहले का डाटा है उसे सार्वजनिक नहीं कर रही है। प्रत्येक निवेशक का कितना पैसा जमा है, कितना सेबी के पास है या नहीं है, ये भी निवेशकों को पता नहीं है। तो पहली रिक्वेस्ट है कि सभी निवेशकों का अपने साइट पर बेकायदे एक एक रजिस्ट्रेशन का कितना पैसा जमा है लोग जान पाए, इसकी व्यवस्था की करा जाए। चाहे रजिस्ट्रेशन के नंबर के डालने के बाद पता चले या पूरी पीडीएफ फाइल हो, लोग उस पीडीएफ फाइल को देख करके ये पता कर सकें कि हमारा इतना पैसा है, थोड़ा सुकून तो हो कि हाँ इतना पैसा है, इतना कंपनी देगी। और ये जो व्यवस्था की गई है, हम चाहते हैं और हमारे निवेशक चाहते हैं, पीएसएल के एजेंट और निवेशक सभी लोग यही चाहते हैं कि जो रसीदों के बात की जाती है, रसीदों के हिसाब से पैसा देने की बात की जाती है, इसे वापस लें। इस प्रकार से पैसा हम लोगों को नहीं चाहिए, रसीदों के हिसाब से पैसा नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है, जो गलत तरीके से गलत नाम, गलत एड्रेस, गलत सब कुछ होते हुए पैसा निवेश हुआ है और आज मैचिंग करा करके पैसा देने की बात जो होती है यह गलत है। इस प्रकार से सेबी का फायदा होगा, लोड़ा कमेटी का फायदा होगा और मैनेजमेंट का फायदा होगा और निवेशकों का पैसा नहीं मिल पाएगा, यह स्पष्ट है दोस्तों। क्योंकि अगर वो मैचिंग कराएंगे, किसी ने साइन किया है या पैसा जमा करते समय उस समय औंठा लगा दिया, आज फार्म भरते समय साइन कर दिया, क्योंकि औंठा किसने लगाया, अंगूठा लगाया कि साइन किया, ये पता निवेशक को भी नहीं है। फार्म भरवाते समय दोस्तों, जब पीएसएल में जमा पैसा हुआ तब साइन किया है कि अंगूठा लगाया है, इसका भी ध्यान किसी को नहीं है कि ये कि एजेंट ने साइन कर दिया, अंगूठा लगा दिया। आज उस मैचिंग को मैच करके पैसा देने की बात अगर आएगी दोस्तों, तब भी लोग पैसा नहीं पाएंगे दोस्तों, कई कारणों से लोगों का पैसा फंस जाएगा। मेरी अपील यही है कि या तो पीएसएल अपने तरीके से खुद पैसा देती, और या तो अगर सेबी के माध्यम से कमेटी बनकर दे रही है तो उस बात का ध्यान रखकर पैसा दे, ताकि सभी लोगों का पैसा मिल जाए दोस्तों, नहीं तो पैसा नहीं मिल पाएगा। जितना सेबी, जितना रिकॉर्ड में है सेबी के पास, लोड़ा कमेटी के पास, उस रिकॉर्ड के हिसाब से सभी निवेशकों का पैसा वापस करे, निवेशक यही चाहते हैं। और
देने से पहले अगर आपकी साइट दोबारा चालू होती है तो सीबी वाले से कहना चाहते हैं, लोढ़ा कमेटी वाले से कहना चाहते हैं, इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचा दीजिए जो कर्मचारी हैं। और फिलहाल वीडियो जाती ही होगी, देखते ही होंगे, लेकिन बार बार यही रिक्वेस्ट है कि इसे सार्वजनिक कराया जाए, इसे पोर्टल पर जितने निवेशक है प्रत्येक रजिस्ट्रेशन का कितना पैसा सेबी के पास है इसका ओपनिंग किया जाए और रसीदों की जो मांग है, रसीदों की मांग ना हो, रसीदों की मांग नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अगर रसीदों की मांग होती है तो यह सरासर बेमानी है दोस्तों। और एक बात और कहना चाहता हूं, द जियो न्यूज स्पेशल मैटर ने जिस तरीके से तैयारी करके लोगों को तैयार कर रहा है और लोगों के हक और अधिकार की बात कर रहा है, वही पैसा दिलाने के सिस्टम में अग्रणी है। इस बात को मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, और भी लोग हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूं केवल वही हैं, और भी हैं जो अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं।